आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हिमाचल से चौथी वंदे मातरम एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी हरी झंडी, ऊना रैली में गिनाए बीजेपी के काम। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुप्ता ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, दूसरे जज ने कर्नाटक हाईकोर्ट को फैसला किया रद्द। वाराणसी में भाजपा नेता की लाठी डंडे से पीट कर की हत्या, बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। कानपुर में करवा चौथ के चलते दिखी बाजारों में रौनक, व्रत पूजन के लिए महिलाएं खरीद रही हैं सामान। हमीरपुर में लंपी वायरस ने दी दस्तक, बड़ी संख्या में वायरस की चपेट में आए मवेशी। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। देवरिया में राप्ती और सरजू नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांव में बाढ़ के खतरे से उभर आए, ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। नदियों के उफान से कई गांव में बांधों पर खतरा मंडराने लगा। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि नदी के जलस्तर बढ़ने से हमारी फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है, शासन प्रशासन अभी तक कोई मदद नहीं मिल रही है, अगर ऐसा ही जलस्तर बढ़ा रहा तो हम पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। ज्यादा समस्या है, चारों ओर देख रहे हैं फसल डूब गई है, चारों ओर लोग बेहाल हैं, फसल डूब गई है। कोई खबर शाहजहां शहर के खेरनी बाग चौराहे व जीसीआई तिराहे से है, जहां नवागत सीओ ट्रैफिक जगदीश लाल टंटना ने यातायात जागरूक अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों को सीओ ट्रैफिक ने यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया। साथ ही नवागत सीओ ट्रैफिक जगदीश लाल टंटना ने बताया कि ये जागरूकता अभियान एक सप्ताह तक चलाया जाएगा, इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्लान तैयार कर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी फुकरे आलम, विपुल त्यागी, ओम कुमार आदि टीम मौजूद रही। ये आजकल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों में जागरूकता के अभाव में कुछ सड़क दुर्घटनाएं ज़बरदस्ती होती हैं। उन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हम लोग इसमें प्रतिदिन अलग अलग अभियान चलाएंगे। हेलमेट पहनना जैसे कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बिना हेलमेट के 90% लोग बिना हेलमेट के हैं, तो लोगों में जागरूकता नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जनता इससे सेफ रहे, आप दूसरे को भी सेफ रखें। हम खबर बहराई से है, जहां शहर के नामचीन स्कूल सिटी मॉन्टेसरी में झूले के नीचे दबकर दो छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद छात्रों को मौके पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान छात्रों की मौत हो गई। वहीं छात्रों के परिजनों का कहना है कि उनके स्कूल प्रशासन की ओर से इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे परिजनों में रोष भी है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर SP सिटी कुंवर ज्ञानजय संघ, CT मजिस्ट्रेट ज्योति राय समेत कोतवाली नगर व देहात की पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गए। आपको बता दें कि ये पूरा मामला CCTV में कैद हो गया है। वहीं इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी स्कूलों की जांच कराई जाएगी और स्कूलों को नोटिस जारी किया जाएगा। झूले का जो इंस्टॉलेशन किया गया है उसमें सिक्योरिटी को लेकर चीजें देखी जाएगी और किस तरीके से इसमें लापरवाही बरती गई है इसकी जाँच की जाएगी और नोटिस दिया जाएगा इनको। विद्यालय में पूरे जनपद में जहाँ भी इस तरीके की खामियां हैं सबको नोटिस दिया जाएगा और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सर, ये मैं अभी दो बच्चों को बताया गया कि दूसरे के माध्यम से कि उनको चोट लगी है, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर सारा सेव है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को खबर भी नहीं किया गया। और हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि बच्चे को मतलब बहराइच ले गया, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पर जवाब दिया गया, फिर रिफर कर दिया गया उनको लखनऊ के लिए। सर, अभी हम लोग मौके पे आए हैं और यहाँ पे निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पे चूँकि एक बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई है और एक बच्चे को लखनऊ लेके जाया गया है। अब इस पर हम सारे स्कूलों में, जिले भर के जितने भी स्कूल हैं, उन सब पे एक जांच शुरू करने जा रहे हैं।
हमीरपुर जिले में लंपी वायरस का कहर धीरे धीरे पैर पसार रहा है। जिले में इसका कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ मवेशियों में फैली लंपी वायरस बीमारी के चलते डेयरी किसानों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये वायरस बीमारी के बाद पशुओं के लिए काफी जानलेवा साबित होता है। आपको बता दें कि वायरस में पशु को तेज बुखार आना, दूध उत्पादन में कमी आना, भूख न लगना, नाक से पानी निकलना और आंखों से पानी आना, ऐसे तमाम लक्षण इस वायरस के बताए जा रहे हैं। कभी देखा नहीं है ना सुना है। राजस्थान से कुछ न्यूज़ें आई हैं कि वहाँ एक लंपी वायरस फैला हुआ है। कुछ टीवी में देखा है गायों के शरीर में जो टीवी में देखने को मिला, वैसी ही बीमारी ये लंपी ही समझ में आ रही है। जैसे लंपी बीमारी हो गई हो, शरीर में चकत्ते पड़ना, उनका फूट जाना, फिर घाव हो जाना, गाय का लार डालना और चारा ना खाना, दूध में कमी आ जाना, ये समझ में आ रहा है कि लंपी ही है। तीन चार दिन हो गए, काफ़ी दाने निकल आए हैं। मैंने कई ऐसे गांव मोहल्ले में देखा है और जो है ये गाय मतलब तीन चार दिन हो गए इसके मतलब जो है दाने निकल आए हैं। मैंने कई गाय को मोहल्ले में देखा, ये पालतू जानवर है, मतलब हमारे मोहल्ले में पाले हुए हैं घरेलू मतलब पशु। लगभग कितने दिन से ये दाने निकले? लगभग तीन चार दिन हो गए इस गाय के जो है दाने निकल आए हैं। मैंने मार्केट में भी कई जानवरों को देखा है, जैसे मार्केट गया हूँ तो वहाँ पर भी कई जानवरों के दाने निकल आए हैं। मोहल्ले में भी कई ऐसे मतलब जानवर हैं, गाय मिली है जो जिनके दान में है, मतलब पैर में सूजन आ गई है, मतलब हल्के से चारा से इसने उठा पा रहे। खबर लखीमपुर से है, जहां भारत भूषण कॉलोनी में जल निकास नहीं होने से कॉलोनी के सड़कों घरों में पानी आ गया, जिसके बाद प्रशासन ने समस्या का तत्काल निराकरण करने व जमा पानी निकलवाने का आश्वासन प्रदर्शन करने को दिया। लेकिन प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं हुए और वो सब इस जल निकास का स्थायी समाधान किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस क्रम में सैकड़ों कॉलोनी वासियों ने तहसील गेट पर धरना प्रदर्शन किया। कि आज छह दिन बारिश हो रही, लगातार बारिश हो रही है ना, वहाँ पर कोई भी मोहल्ले का मान लो जो वहाँ पे प्रधान है या वहाँ के विधायक जी हैं या जो भी मान लो वहाँ का जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे ना ही जाकर के देखा है कि यहाँ के लोगों का क्या हाल है। जब कल लोगों का सब्र का बांध टूट गया तब लोगों ने जाकर के वहाँ पे चौराहा जाम किया है, तब वहाँ पे जो है प्रशासन जो है SDM साहब अन्य जो है महोदय लोग वहाँ पर गए हैं, तब उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग जाम कैसे किए हैं, क्या हुआ है, तब दिखाया गया है कि भाई ये जलभराव की समस्या, अभी तक किसी को जलभराव की समस्या भारत भूषण कॉलोनी में नहीं दिख रही थी। लोग वहाँ आज चार पांच दिन हुए जा रहे थे, लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा था। क्या जाते हैं जो हमारे यहाँ जो भारत भूषण कॉलोनी में इतनी बड़ी समस्या आई हुई है उसमें प्रशासन ने अभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब एक्शन ले लिया, खाली अक्ल आश्वासन देकर छोड़ दिया गया है ना। लोग कहते हैं कि वहाँ की जमीन का बैनामा है, ठीक है, अच्छी बात है ना। यदि बैनामा है तो फिर वहां पे नाला क्यों बनाया गया? दुकान के नीचे कभी नाला होता है क्या? मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि दुकान के नीचे कभी नाला होता है? इतना चौड़ा नाला क्यों बनवाया गया? और यदि है तो उसका समाधान किया जाए। हमारा अवैध कब्जा जो है उसको हटाना। खबर वाराणसी से है, जहां सिगरा थाना अंतर्गत जयप्रकाश नगर में भाजपा नेता की बदमाशों ने लाठी डंडे व रॉड से पीटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता पशुपतिनाथ ने उन्हें डांट लगाई और घर जाने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद युवक घर पर गए और समूह के साथ दुकान पर दोबारा पहुंचकर पशुपतिनाथ पर लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान पशुपतिनाथ की मौत हो गई। थाना सिगरा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी के अंतर्गत गत रात्रि एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के प्रकरण को शासन ने और DGP साहब ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। इस प्रकरण में मृतक के बेटे के द्वारा 17 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध FIR थाना सिगरा पर पंजीकृत कराया गया है। शव का पोस्टमार्टम प्राथमिकता के आधार पर करा दिया गया है। इस घटना में लिप्त 5 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। खबर अलीगढ़ से है, जहां सरकार की तरफ कब्रिस्तान और मरघट को स्वच्छ कराने के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं शाह जमाल कब्रिस्तान में भारी बारिश के बाद चारों ओर गंदगी का नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं सरकार और उनके जनप्रतिनिधि कब्रिस्तान पर समस्या के निदान पर कोई ठोस कार्रवाई करते नहीं दिख रही है। इसमें कब्रिस्तान में पानी भरने की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पर पानी निकलने का कोई साधन नहीं है और कुछ कमियाँ अपने लोगों की भी हैं जो अभी तक इसका कोई निर्माण नहीं करा पाए। इसका अगर निर्माण ठीक तरह से हो जाए तो हो सकता है पानी की समस्या इस तरह से हो जाएगी कि पानी यहाँ भरेगा नहीं जिस तरह से भर रहा है।
अभी मैं आपको पीछे दिखा दूँ कि बाबरी बोलते हैं इसको, जिसमें किसी टाइम पहले परियां नाया करती थी, आज यहाँ परिंदे भी नहीं हैं। शारदीय नवरात्र के शुरू होने के साथ साथ भारत में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है और लगातार एक के बाद एक व्रत और तीज त्योहार आते रहते हैं। ऐसे में आज महिलाओं का विशेष त्योहार करवा चौथ है, सुहागिन महिलाओं के द्वारा मनाया जाएगा। इस व्रत के चलते बाजारों में रौनक देखने को मिली और जगह जगह पर करवा चौथ की सामानों की दुकानें सजी हुई दिखी और महिलाएं बाजार में अपने व्रत पूजा के लिए सामानों की खरीदारी में जुटी हुई है। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, उसका तो काम ही है चिल्लाना, कभी महंगाई को लेके, कभी किसी और मुद्दे को लेके। और महंगाई तो हम लोगों ने हर एक के शासन में देखी, कांग्रेस के शासन में भी बहुत महंगाई थी। हाँ, हमारी सरकार जब से हमारे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में है इस समय। और अभी से नहीं, लगभग 2.5-3 वर्ष होने को आए, फ्री राशन की जो सुविधाएं हमारी बहनों को मिल रही है, जो गरीब परिवार हैं, जो शोषित हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, ऐसी बहनों के लिए जो काम हमारे योगी जी की सरकार में चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को कोई ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए। लेके तैयारियां, हम लोग इतने खुश हैं कि अभी कोरोना के बात बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग का कि करवा चौथ बहुत अच्छे से मन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। करवा चौथ पे क्या महंगाई भारी पड़ी है कि नहीं पड़ी? महंगाई तो भारी पड़ी है, महंगाई तो भारी है ही है, लेकिन हम लोग क्या करें, मनाएंगे यही, लेंगे यही, खरीदेंगे यही है कि नहीं, क्या करें। और महंगाई पे तो असर पड़ा है ही है। बस कोरोना काल के बाद जो है मार्केट में कुछ रौनक आई है, लेकिन जो दुकानदारों को आशा थी उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। इसका पर्टिकुलर रीजन क्या माना जा सकता है? महंगाई, महंगाई को देखते हुए कहीं ना कहीं मार्केट में असर है। हाँ, बारिश से भी बहुत असर पड़ा, दूर का कस्टमर आने में जो है वो नहीं आ पाया, इसका भी बहुत बड़ा असर रहा मार्केट में। फिलहाल कोरोना के बाद का जो मार्केट है उससे थोड़ा मार्केट उठा है? हाँ, मार्केट उठा है, मार्केट में रौनक है, कस्टमर भी है, अच्छा है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।